के चौटाला, चौपाल और चौधरी देवीलाल। पंचायत चौटाला इस हरिजन धर्मशाला का शिलान्यास माननीय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने अपने कर कमलों द्वारा सोमवार दिनांक 22/1/1979 को संपन्न किया था। जिस तरह से इस जगह को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको चौपाल कहना ठीक है, इसको अगर अस्तबल कहें तो वो मुनासिब होगा। और अगर अस्तबल की भी हालत देखें तो मुझे लगता है कि अस्तबल की हालत भी इस चौपाल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक होगी। अस्तबल की हालत में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, बल्कि ये यहाँ पर अस्तबल से भी ज़्यादा गंदगी है। ये गोबर ही गोबर यहाँ पर देख सकते हैं, किसी की बारात यहाँ पर रुके वो तो आप सोच ही नहीं सकते। कोई गरीब अगर गली के अंदर टेंट लगाता है या लड़की शादी करना चाहता है तो आधे बर्तन तो उसके रास्ते में गुम हो जाते हैं गली में ही, फिर उसको वो भी भुगतान देना पड़ता है। बहुत बार बोल दिया उनको, आते हैं इलेक्शन के टाइम आते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आप ये करवा दो, बोलते हैं हाँ करवा देंगे, बाद में कुछ नहीं होता, वो इलेक्शन हार जाता है, कोई जीत जाता है, बाद के अंदर उनके आंखों के ऊपर वो आ जाती है, दिखाई नहीं देता फिर उनको ये कोई काम। सत्ता का नशा, हाँ सत्ता का नशा आ जाता है उनमें, उसके बाद फिर उनको मेघवाल चौपाल नहीं दिखाई देती, कुछ भी नहीं दिखाई देता। फाइलों को खोल कर देखे तो हो सकता है ये चौपाल उन फाइलों के अंदर, उन कागजों के अंदर बिल्कुल चमचमाती मिले, ये चौपाल उन फाइलों के अंदर बहुत सारे पैसे लगाकर बड़ी दुरुस्त व्यवस्था में मिले, हो सकता है कागजों के अंदर मिले, मगर जो हकीकत हमने चौटाला गांव की बताई है, चौटाला गांव जहां से 5 विधायक चुनकर गए, वही चौटाला गांव जहां से ओम प्रकाश चौटाला 5 दफा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, वही चौटाला गांव चौधरी देवीलाल का गांव, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि चौटाला, चौपाल और चौधरी देवीलाल। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबेल रिपोर्टर, आप देख रहे हैं साथ में द लोकल न्यूज़। चौपाल, चौटाला और चौधरी देवीलाल, तीनों शब्द जैसे बनते हैं। और अब आपको बता दूं कि मैं चौधरी देवीलाल के चौटाला गांव की हरिजन चौपाल में हूं, और हरिजन चौपाल की अगर हालत आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस ये जो चौपाल है इसका निर्माण कब हुआ था, इस चौपाल को बनाया कब गया था। अब मैं पढ़ देता हूं, ग्राम पंचायत चौटाला इस हरिजन धर्मशाला का शिलान्यास माननीय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने अपने कर कमलों द्वारा सोमवार दिनांक 22/1/1979 को संपन्न किया था। माने ये चौपाल बनी थी लगभग 40 साल पहले। वो है इधर, ये कौन सी जाति की है? हरिजन मेघवाल। हरिजन मेघवाल की ये चौपाल है। पहले इस चौपाल की हालत देख लीजिए कि क्या इस चौपाल में अगर हरिजन लोगों की शादी अगर हो जाए, अगर किसी को शादी मजबूरी में यहाँ पर बारात या कोई फंक्शन करना पड़ जाए तो फिर आयोजन करना पड़ जाए तो क्या ये जगह शादी के लायक है, ये आप देख लीजिए। सुबोध, ये उधर भी दिखा दो। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर सारा दिन, जैसे कि यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, आवारा जो पशु हैं वो शायद सारा दिन यहाँ पर रहते हैं, कुत्तों के बैठने की, लेटने की, आवारा पशुओं के बैठने की, लेटने की ये जगह है। इंसानों की चौपाल या हरिजन बस्ती की चौपाल कहना इसको बेवकूफ़ी मुझे लगती है, बेवकूफ़ी ये होगी कि हम इसको ये कहें कि ये हरिजन चौपाल है। ये सामने देख लीजिए, वो आपने दो कमरे देखे, उनकी हालत आपने देखी कि वहाँ पर इंसानों के बैठने के लायक या कोई शादी या विवाह करने के लायक वहाँ पर जगह है या नहीं है। ये देख लीजिए, इसकी हालत भी लगभग वैसी ही है जैसा अंदर वाले कमरों की है। और अगर बाहर की बात करें, अगर किसी को लघु शंका के लिए लैट्रिन या बाथरूम की व्यवस्था अगर किसी को जाना है तो वो देख सकते हैं, इन शौचालयों को देखकर आपको लगता नहीं होगा कि ये इंसानों के लिए बनाए हुए हैं, इन पर दरवाजे नहीं हैं, और यहाँ पर भी लगता है कि ये इंसानों के लिए नहीं है बल्कि आवारा पशुओं के लिए या कुत्तों के लिए या जानवरों के लिए आपको ये लगते होंगे, नज़र आते होंगे। अगर पीछे की बात करें तो पीछे और आपको दिखा देते हैं, ये पीछे देख लीजिए, पीछे ईंटें पड़ी हुई हैं, उबड़ खाबड़ है ज़मीन, यहाँ पर समतल भी नहीं है कि अगर किसी को यहाँ पर शादी या विवाह वगैरह करना पड़ जाए तो उसके लायक ये ज़मीन भी जो है वो समतल नहीं है। आपने पूरी जो ये बिल्डिंग है,
ये देख ली, इसका शिलान्यास जब हुआ वो देख लिया। और अब अगर बात करें, तो ये चौटाला गांव है, वही चौटाला गांव जिस चौटाला गांव से 2019 में 5 विधायक चुनकर विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा में गए थे। ये वही चौटाला गांव है जिस चौटाला गांव ने देश को उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जैसे नेता, आप अंदाज लगा लीजिए कि जिस गांव से 5-5 विधायक विधानसभा के अंदर चुनकर भेजे जाते हों, या 5-5 विधायक जिस गांव से जाते हों, उस गांव की चौपाल की अगर ये हालत है, तो उन विधायकों से बाकी इलाके की या उनके क्षेत्र की जहां से वो चुन के गए हैं, उस क्षेत्र के विकास की उनसे कितनी उम्मीद की जा सकती है, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि फिलहाल अगर बात करें तो 4 विधायक विधानसभा में हैं। अभय सिंह चौटाला 5वें विधायक थे, उन्होंने एलनाबाद से इस्तीफा दे दिया, अब एलनाबाद का उपचुनाव होना है। वो चौटाला गांव को पांच विधायक भेजने का जो उनका कीर्तिमान है वो स्थापित रहेगा या नहीं रहेगा, वो भविष्य की बात है, चुनाव के बाद वो तय होगा। जैसे मैंने बताया कि 5 विधायक हैं, तो 5 विधायकों के अंदर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसी गांव से संबंध रखते हैं, चौटाला गांव से ही, उनके पास बहुत सारे महकमे हैं, दूसरे नंबर के वो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। और दूसरी बात करें तो रंजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री भी इसी गांव से हैं, और 3 और विधायक हैं, नाना चौटाला विधायक हैं, अभय सिंह विधायक थे जैसे मैंने बताया, इस्तीफा दे दिया, और अमित सिहाग जो चौधरी देवीलाल के ही परिवार से आते हैं, वो शायद चौटाला नहीं लगाते, वो अपने नाम के पीछे सिहाग लगाते हैं, मगर चौटाला गांव से ही हैं, देवीलाल परिवार से ही हैं। तो कहने का मतलब ये है, समझने की बात ये है कि जिस चौटाला गांव से 5-5 विधायक 2019 में चुनकर विधानसभा में जाते हैं, उस चौटाला गांव की, इस हरिजन चौपाल की हालत ये है कि जिसके अंदर केवल पशु तो रुक सकते हैं, इंसानों के रहने के लायक, इंसानों के विवाह शादी समारोह के लायक ये बिल्डिंग है नहीं। चौधरी देवीलाल ने जब इसका शिलान्यास किया तो उन्होंने बड़ी सोच के समझ के तब इसका शिलान्यास किया होगा कि हरिजनों को, जिनके लिए ये चौपाल बनाई जा रही है, उनको दिक्कत ना आए, मगर उनको नहीं पता था कि उनके शिलान्यास के बाद इसी चौटाला गाँव में उनकी बनाई हुई धर्मशाला की ये हालत होगी। ये खंडर के तौर पर धर्मशाला को देखा जाएगा, खंडर के तौर पर धर्मशाला को याद किया जाएगा। अब इसकी हालत उसी वक्त से ऐसी है या बाद में इसको नहीं संभाला गया, वो हमारे साथ चौटाला गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? विक्रम सिंह नाम है जी। विक्रम, ये जो चौपाल है, हाँ जी, इसकी हालत जब चौधरी देवीलाल ने 1979 में, हाँ जी, जब इसका शिलान्यास किया, हाँ जी, हाँ जी, तब से ऐसी है या बाद में ऐसी हुई है? बाद में ऐसी हुई, आज से 7-8 साल हो गए। पहले यहाँ पे बारात भी रुका करती और रात भी यहीं गुजरती, उसके बाद में यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना इसके अंदर पंखे है, ना लाइट की सुविधा है। अरे लाइट कहाँ, यहाँ तो पशुओं का गोबर पड़ा है जी, और ना इसका नीचे का फर्श है, कुछ भी नहीं है इसका, और आते हैं कोई बड़ी बड़ी बातें करके चले तो जाते हैं। देखो, जब आपके गांव में रंजीत सिंह भी आए, दुष्यंत चौटाला भी बनने के बाद आए, नैना चौटाला भी आती रहती हैं, जो अमित सिहाग हैं वो भी आते हैं, क्या आप उन लोगों को बताते नहीं हो कि भाई इस चौपाल के अंदर ये दिक्कत है, इसको बनवाओ, इसको रिपेयर कराओ, इसको ठीक कराओ, क्या मांग नहीं रखी जाती? हर बार रखी जाती है, पर यहाँ पर कोई सुनाई भी नहीं है। देखिए, ये मुद्दे की बात है, ये ध्यान देने की बात है कि जो नुमाइंदे चौटाला गांव से चुनकर गए हैं, जिनके नाम के पीछे चौटाला गांव का नाम लगता है, उनके सामने दिक्कत बताई भी गई है, उसके बावजूद इस चौपाल का कोई, इस चौपाल की रिपेयर नहीं की गई, इस चौपाल की सुध नहीं ली गई, ये गौर करने की बात है। बताने के बावजूद भी चौपाल का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये जो चौपाल है, इसकी मांग दुष्यंत चौटाला या रंजीत सिंह चौटाला या किसी के सामने गाँव के सामूहिक तौर से रखी गई? रखी जाती है, तो कुछ भी नहीं होता अभी। तो देखिए, ये चौपाल की हालत ये है, तो शादी वादी करने में दिक्कत आती होंगी? आती है। आपका, आपकी, आपका घर आसपास है, नजदीक है? आसपास ही। तो जैसे शादी के लिए गांव में वैसे तो कम्युनिटी सेंटर बना दिया, मगर कम्युनिटी सेंटर आपकी जो कॉलोनी है, बस्ती, उससे बड़ी दूर है, तो आप वहाँ तो शादी कर नहीं सकते। आपके पास तो शादी के लिए फिर यही जगह है, तो इसमें शादी के लायक ये बिल्डिंग है नहीं, तो फिर क्या करते हो शादी के लिए, क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है? टेंट वेंट गांव गली में लगाना पड़ता है? गली में लगाना पड़ता है। और जो गरीब आदमी है वो मैरिज प्लेस या
कम्युनिस्ट सेंटर तो ले नहीं सकता, और गरीब आदमी के लिए सिर्फ यही जगह है, और आज यही जगह ना बची तो फिर फायदा क्या है? गरीब आदमी किसी बैंकेट हॉल में, जिसका एक रात का किराया 5-7-10 लाख रुपए होता है, उसके लायक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। कोई बैंकेट हॉल जो 5-10 लाख रुपए एक रात का किराया ले लेता है, गरीब आदमी का इतना मादा नहीं होता, गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि इतने खर्च करके वो अपने बच्चे की शादी कर ले। तो गरीब आदमी के लिए चौधरी देवीलाल की ये सोच थी कि ये चौपाल ऐसी बन जानी चाहिए और उसी में उनकी बारात रुक जाए या उनके लड़के लड़की की शादी हो जाए। हाँ जी, अगर कोई गरीब अगर गली के अंदर टेंट लगाता है या लड़की की शादी करना चाहता है तो आधे बर्तन तो उसके रास्ते में गुम हो जाते हैं गली में ही, फिर उसको वो भी भुगतान देना पड़ता है। मतलब गली में लगाए तो एक तो गली वालों को दिक्कत है ना, एक तो गली वालों को दिक्कत, गली रुक जाती है, किसी का पशु जाता है उसमें दिक्कत है, और फिर बाकी जैसे आपने बताया कि टेंट वाले का सामान गुम हो जाता है उसकी भरपाई फिर जिस गरीब आदमी को करनी पड़ती है। हाँ जी, और आप बाकी आपने देख लिया इसका क्या हालात है। तो क्या देखिए, आपके गांव से जो विधायक हैं जो चुनकर गए हैं वो और जो सरकार है उनसे आपकी क्या मांग? हम तो यही चाह रहे हैं सारे कि इसका अच्छी तरह से इसका सिर्फ इसका ना लिपटोपी ना करी जाए और इसको बढ़िया तरिया मना दिया जाए। ये तो लिपटोपी करके विक्रम कर, देखिए विक्रम भाई, ये जो चौपाल है इसका उद्घाटन चौधरी देवीलाल ने किया। हाँ जी, तो ये मान सकते हैं चौधरी देवीलाल की एक यादगार भी आप मान सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो बड़े बहुत बड़े महापुरुष इस देश के हुए हैं, उप प्रधानमंत्री भी वो बने हैं, तो उन्होंने जिस चीज का उद्घाटन किया हो सरकार की या उनके परिवार के जो सदस्य हैं जो विधायक के तौर पर या मंत्री के तौर पर जो चुने गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इसको संभाल कर रखा जाए, उनको उनकी याददाश्त के तौर पर। बहुत बार बोल दिया उनको, आते हैं इलेक्शन के टाइम आते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप ये करवा दो, बोलते हैं हाँ करवा देंगे, बाद में कुछ नहीं होता, वो इलेक्शन हार जाता है कोई जीत जाता है, बाद के अंदर उनके आंखों के ऊपर वो आ जाती है, दिखाई नहीं देता फिर उनको ये कोई काम, सत्ता का नशा। हाँ, सत्ता का नशा आ जाता है उनमें, उसके बाद फिर उनको मेघवाल चौपाल नहीं दिखाई देती, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो चलिए, ज्यादा लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं है, जो मुद्दे की बात थी, जो दिक्कत थी वो आप लोगों ने यहाँ पर देख ली। फिर ध्यान दिला देता हूँ, जो चौपाल जिसका उद्घाटन चौधरी देवीलाल ने अपने हाथों से किया 1979 में, लगभग 40 साल पहले, ये सोचकर कि गरीब आदमी कहीं बैंकेट हॉल में नहीं जा सकता, उसको उसको लड़के की शादी करनी है, किसी के अपने पारिवारिक कोई समारोह करना है तो उसको मुफ्त में या कम पैसों में या उसको आसानी से ये सहूलियत हो जाए कि उसका आयोजन प्यार से आराम से संपन्न हो जाए, ये उनकी सोच थी चौपालों को बनाने के पीछे, चौपालों को बनाने को लेकर। मगर जो आपने देखा कि उन्होंने बना तो दी, मगर जो बाकी पीछे की सरकारें जो आई उन्होंने इसके रख रखाव पर एक पैसा नहीं लगाया। हो सकता है अगर कागजों को उठा कर देखें, हो सकता है फाइलों को खोल कर देखें, तो हो सकता है ये चौपाल उन फाइलों के अंदर, उन कागजों के अंदर बिल्कुल चमचमाती मिले, ये चौपाल उन फाइलों के अंदर बहुत सारे पैसे लगाकर बड़ी दुरुस्त व्यवस्था में मिले, हो सकता है कागजों के अंदर मिले, मगर जो हकीकत हमने चौटाला गांव की बताई है, चौटाला गांव जहां से 5 विधायक चुनकर गए, वही चौटाला गांव जहां से ओम प्रकाश चौटाला 5 दफ़ा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, वही चौटाला गांव चौधरी देवीलाल का गांव, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि चौटाला, चौपाल और चौधरी देवीलाल, जो 3 चय हैं वो इत्तेफाक से यहां पर मिल रहे हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो चौधरी देवीलाल की धरोहर जो अपने गांव में उन्होंने उद्घाटन किया था उसको संभाला जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, और धरोहर के साथ साथ जो गरीब आदमी है उनकी परेशानी समझकर उनके लिए इस चौपाल को दुरुस्त किया जाए, इसकी बिल्डिंग को कागजों से बाहर निकालकर हकीकत में तैयार किया जाए। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।